Hi guys, this is Kunal और आज मैं आपको दिखाऊंगा boiled onion curry. Boiled onion curry के लिए हमें चाहिए roughly sliced onions. इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी और इसे हम boil करेंगे. मसालों में इसमें जाएगा शाही जीरा, मोटी इलायची, काली मिर्च, हरी इलायची, काजू, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, नमक जस्ट अ लिटिल. अब इसे हम स्टर करेंगे और इसे हमें अच्छे से बॉईल करना है जब तक अनियंस मैशी नहीं हो जाते. लेट्स चेक ऑन टू द करी. अनियंस बिल्कुल पक चुके हैं, काफी मैशी हो रहे हैं. इसे करेंगे बंद. इसमें जो मोटी इलायची है उसे हम बाहर अलग कर सकते हैं. ना इन अनियंस को हमें ठंडा करना है और इनकी प्यूरी बनानी है. हल्का सा ये ठंडा हो गया, इसे हम डालेंगे इस ग्राइंडर में. इट इज स्टिल अ लिटिल वार्म बट दैट्स ओके, क्योंकि इसके अंदर अभी हम डालेंगे दही. हमारे पास है दही, ये जाएगी इसमें. और अब इसे कंप्लीटली हम ब्लेंड कर लेंगे. दैट्स इट. इसे अब हम छान लेंगे. जस्ट मेक श्योर इसे हम अच्छे से मैश करें. नाउ एक पैन लेंगे, उसे गर्म करेंगे. उसमें जाएगा थोड़ा सा देसी घी और उसमें इस करी को डालकर हम भूनेंगे. याद रखिए क्योंकि इसके अंदर दही है, इसे हमें हाई फ्लेम पर ही हीट करना है. ब्रिंग इट टू अ क्विक बॉयल. इसे करीबन 10 मिनट के लिए हमें भूनना है जब तक कि दही कंप्लीटली पक ना जाए. एट दिस स्टेज इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मिल्क जस्ट टू वाइटन इट अप और इसे एक अच्छा बॉयल देंगे. वन क्विक बॉयल एंड हमारी ये ग्रेवी तैयार हो जाएगी. ग्रेवी थिक हो गई है. दिस ग्रेवी इज डन. वील पोर दिस आउट. हमारी बॉइल्ड अनियन करी रेडी.